हेलो जीवन, आज मैं पिछले क्लास में जो बताया था मेजरिंग टेबल ऑफ ड्राइंग सीट रिकमेंडेड बाय आईएसआई, तो ड्राइंग सीट जो रिकमेंडेड होता है जो आईएसआई के अनुसार जो स्टैंडर्ड मानक है उसके अनुसार जो ड्राइंग सीट होता है उसको बताया था मैंने, जिसमें कि A0, A1, A2, A3, A4, A5 इतना साइज का ड्राइंग सीट होता है। इस ड्राइंग सीट का साइज क्या होता है और ये दो तरह से ट्रिम्ड होता है जब हम उसको काट देते हैं, तब एक होता है अनट्रिम्ड जब बिना काटे हुए, ठीक है। तो दो साइज में होता है, दोनों साइज का आपको हम यहाँ पे चर्चा किए थे और दोनों साइज को हम यहाँ पे लिख दिए थे। तो अब देखिए इसके बाद क्या किए थे कि अब ड्राइंग बोर्ड पे किस प्रकार इसको हम रखते हैं ड्राइंग सीट को, और ड्राइंग सीट का स्पेस क्या रखते हैं, ड्राइंग सीट में जो बनाते हैं तो उसका स्पेस क्या रहता है, ये हम बताए थे पिछली क्लास में भी। ये देखिए ये ड्राइंग बोर्ड है, इस ड्राइंग बोर्ड पे सीट को रखा गया है और सीट को हम सेलो टेप से, हम या तो सेलो टेप से साटते हैं या पेपर पिन जो ये ड्राइंग बोर्ड पिन जो आता है वो इसके ऊपर चारों कोना पे लगा देते हैं। लेकिन ड्राइंग बोर्ड पिन लगाने से क्या होगा कि आप जब इसको स्लाइड कीजिएगा तो वो उठा हुआ पोर्शन होने के कारण आपका ड्राइंग थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, इसलिए कोशिश करना चाहिए सेलो टेप लगा करके ही काम करने में अच्छा होता है। लेकिन एग्जाम में आपको सेलो टेप सीट में नहीं लगना चाहिए क्योंकि उखाड़ते समय वो उसमें दाग पड़ जाएगा और हो सकता फट भी जाए, इसलिए कोशिश कीजिएगा पिन लगाने का। तो यहाँ पे मार्जिन हम दिए हैं, इसमें ड्राइंग बोर्ड के अनुसार जब ड्राइंग सीट को लगाते हैं तो ड्राइंग बनाने से पहले सबसे पहले बाउंड्री करते हैं और बाउंड्री में जो हम मार्जिन डालते हैं वो 5 mm तीनों साइड से और 20 mm जिधर बंधन डालते हैं ड्राइंग सीट को बांधते हैं उस साइड हम 20 mm डालते हैं। तो ये हमारा मार्जिन जो है 20 से 40 mm का रहता है, अगर हम बड़ा बड़ा सीट है तो हम 20 से 40 mm के बीच में हम इसका मार्जिन रखते हैं, तो जब ये बढ़ेगा तो ये भी साइड तीन साइड भी बढ़ेगा, ठीक है। तो अब इसके बाद यहाँ पे देखिए टाइटल ब्लॉक है, इस टाइटल ब्लॉक में हम क्या क्या लिखते हैं उसको जानने के लिए हम पिछले क्लास में रोक दिए थे क्योंकि उसको हम बड़ा बना करके या इस टाइटल ब्लॉक को हम बड़ा बनाए और उसमें हम क्या क्या डालते हैं वो देखना है आपको। ये देखिए हम इसको अब हटाएंगे, अब हम टाइटल ब्लॉक को हम यहाँ दर्शाएंगे, ठीक है। देखिए हम टाइटल ब्लॉक बना रहे हैं, उसमें क्या क्या हम लिखते हैं ये है टाइटल ब्लॉक। देखिए ये जानकारी होना बहुत जरूरी है, लड़के जब ड्राइंग बनाते हैं तो वो अपना टाइटल ब्लॉक नहीं कर पाते हैं, वो हमेशा पूछते हैं क्या साइज डालेंगे, तो साइज का जानकारी होना चाहिए, टाइटल ब्लॉक का कितना साइज होना चाहिए और वो हम कैसे बनाते हैं। तो देखिए टाइटल ब्लॉक पे हम
पिछले क्लास में बताए थे, किसी किसी में 150 लेंथ और 50 विड्थ रहता है, 50x150 का रेक्टेंगल बनेगा, और किसी किसी में 65x185 का रेक्टेंगल बनेगा। ये ध्यान रखना है, अगर 185 दिए तो 65 रहेगा और ये 150 दिए तो 50 रहेगा, ठीक है। तो अभी इसको हम दिखा रहे हैं कि टाइटल ब्लॉक को बनाने के लिए क्या करना होगा और उसमें क्या क्या लिखते हैं। ये सबसे पहले या 150 का बनाइए या 185 का ये लेंथ डाल, ठीक है। लेंथ हमारा 150 या 185 दोनों से कोई एक साइज आप चूज कर लीजिए, और इधर जो है इसकी चौड़ाई 50 या 65 ये आप बना लीजिए। ये 100 लंबाई हो गया 150 और चौड़ाई हो गया 150 लेंगे तो 50 लेंगे, 185 लेंगे तो 65 लेंगे, ये ध्यान रखेंगे। तो अभी हम लेके चल रहे हैं 185 बाय 65 का, ठीक है। इसमें अब देखिए हमको क्या क्या करना है। ये हम एक रेक्टेंगल बना लिए, कितने का, 185 बाय 65 का एक रेक्टेंगल बनाए। अब इस रेक्टेंगल में हमको क्या क्या दिखाना है ये ध्यान रखें कि हम क्या बताए थे पिछले क्लास में, बता चुके थे कि ऊपर का जो भाग है ये 10, इसको 7 7 7 7 5, हाँ, पांच भाग में बांटेंगे टेबल में, ऊपर पहले हम कितना लेंगे, और ये जो भाग होगा ये यहां से हम लिखते हैं, ये सबसे पहले ये 10, इसका साइज 10 मतलब ये जो रो बनाएंगे, हाँ, ये रो हमारा ये कॉलम, तो ये 10 25 और 20 ये साइज लेकर के हम पहले खींच लेंगे लाइन, ठीक है। ये 10 का मान लिया कि ये हुआ 10 mm, इसके बाद 25 mm, इसके बाद 20 mm, नाप लेंगे 20 mm, इसके बाद यहां से ये 10 mm, ये जो 20 mm है और ये 25 mm है, ये थोड़ा बड़ा रहेगा जिससे कि आपको नाम लिखना आसान हो, चाहे हम इसको बड़ा करके दिखाने के लिए, ये मान लिया 25 है और ये 20 है, ठीक है। इसमें डिटेल्स लिखना है, क्या लिखना है ये, और आप ये वाला भाग 10 रहेगा यहां से, यहां 10, इसके बाद 7 7 करके आप इसको पांच भाग में बांट, ठीक है, और नीचे का भाग 20, ठीक है, ये भाग 20 कर लीजिए, इसको टाइटल ब्लॉक का जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है कि टाइटल ब्लॉक का साइज जो होता है उसमें क्या क्या लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं। तो अब इसको जो इस डिस्टेंस को हम क्या भाग, कितने भाग में बांटेंगे, पांच भाग, ये हो गया। यानी ये हम जो बांटे हैं 7 7 mm पे, ये एक 7 mm, फिर ये हमारा दूसरा 7 mm, फिर तीसरा 7 mm, फिर चौथा 7 mm, ठीक है, ये पांच भाग में हम इसको बांट दें। ये 7 7 mm का पांच भाग में बांटे, ये 10 है और नीचे का 20 है। अब क्या करना है कि नीचे का जो ये आप पार्ट लिए हैं, इस पार्ट में आपको ये इसमें आपको क्या लिखना है, सीट नंबर, ये वाला जो भाग में है ये सीट नंबर रहेगा, कौन सा सीट, सीट नंबर क्या है, मतलब आपका सीट जो बनाया है, ड्राइंग जो बनाया है, कितना, मान लिया कि सीट नंबर आपका 10 है तो 10 लिखेंगे, 20 है तो 20 लिखेगी। इसके बाद क्या है कि यहां पे इसको हम
25 में इधर से 25 नाप करके एक लाइन खींच लेंगे और इसमें क्या इसको दो भाग में बांट दीजिए, दो भाग में बांट दीजिए, ठीक है। ये 20 है ना, ये 20 और 10 टेस्ट बांट दिए। इसमें पहला सैंपल यानी सबसे पहले इसमें सैंपल डालें, ये सैंपल जो है यो सैंपल डालना है इसमें किस एंगल में, फर्स्ट एंगल में, थर्ड एंगल या थर्ड एंगल में, दोनों में से कोई एक ही एंगल होगा या फर्स्ट एंगल होगा या थर्ड एंगल होगा। तो अगर हम बताए थे कि फर्स्ट एंगल में यहाँ सैंपल डालिएगा, अगर फर्स्ट एंगल में अगर आप कोई ड्राइंग को ड्रॉ कर रहे हैं टाइटल में लिख रहे हैं तो फर्स्ट एंगल में तो अगर आप डाल रहे हैं तो आपको एक सर्किल लेना होगा। ये मान लिया कि 20 mm का सर्किल लिए तो इसके अंदर 10 mm का सर्किल ले लेंगे, 10 mm रेडियस का सर्किल लेंगे, इसको सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये सेंटर लाइन ड्रॉ हो गया। अब सैंपल होता है, पिछले क्लास में बता चुके हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल। तो फर्स्ट एंगल में का पहला डिफरेंस क्या है, सैंपल डिफरेंस है। तो सैंपल कैसा होता है फर्स्ट एंगल का, देखिए ये छोटा रेडियस का दोनों तरफ से हम डॉट डॉट ले लिए, बड़ा रेडियस का डॉट डॉट ले लिए ये पैरेलल में। अब जो फर्स्ट एंगल में होगा तो छोटा वाला आगे और बड़ा वाला पीछे कर करके इस तरह से एरो हुई है, ये हुआ फर्स्ट एंगल, ये फर्स्ट एंगल का सैंपल हो गया। अगर इसको थर्ड एंगल का सैंपल में बनाना है तो हम क्या करेंगे, एक छोटा रेडियस का सर्किल ड्रॉ किए, एक बड़ा रेडियस का सर्किल ड्रॉ किए, सेंटर से ये सेंटर है तो सेंटर से हम ड्रॉ करेंगे, दो सर्किल ड्रॉ कर लिए सेंटर से और उस सेंटर पे सेंटर लाइन ड्रॉ कर लिए, इस सेंटर पे फिर सेंटर लाइन ड्रॉ कर लिए, सेंटर लाइन 5-1 का होता है। और ये जो रेडियस है इनर रेडियस जो है उस रेडियस से डॉट डॉट लाइन ले लिए और बड़ा रेडियस का डॉट डॉट ले लिए। अब इस वक्त जो है कि छोटा वाला पहले और बड़ा वाला बाद में लाइन खींच करके दोनों से मिला, ये हो गया हमारा थर्ड एंगल, थर्ड एंगल का सिंबल हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल का सिंबल हम जान गए। तो यहाँ पे जो आपका ये जो जगह है, अगर मान लीजिए आप थर्ड एंगल पे बना रहे हैं तो सिंबल डाल लीजिए थर्ड एंगल का, ठीक है। यहाँ पे सिंबल दिखा देंगे थर्ड एंगल का, हाँ यहाँ पे सिंपल हो जाएगा थर्ड एंगल का, मतलब ऐसा ऐसा सिंपल, ठीक है। ये थर्ड एंगल का सिंपल बना दिए। इसके बाद क्या है, इसके नीचे रहता है, ये सिंपल हो गया, इसके नीचे रहता है स्केल, किस स्केल पे बनाया है स्केल, स्केल किस स्केल में। मान लिया कि आपका ड्राइंग है, जो भी ड्राइंग आपके पास आइसोमेट्रिक है उसका जो ऑर्थोग्राफिक व्यू बना है, ओके, जैसे कि आपका एक लेंथ है जो आइसोमेट्रिक में है, लेंथ हमारा 50 mm है, तो 50 mm है तो आप 50 mm में ही बनाए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किए, 50 है तो 50 का नाप लिए, ठीक है। अगर इसका 50 की जगह 25 का नाप लेंगे, लिखेंगे 50 तो हम हाफ स्केल हो गया, लेकिन जितना नाप का है उतने ही नाप का अगर बनाए हैं तो फुल स्केल हुआ। दैट मीन्स ये यहाँ पे आपको सिंबल जो हम डालेंगे 1:1 यानी फुल स्केल, हाँ कितना स्केल में बनाया, फुल स्केल में बनाया, तो यहाँ पे स्केल दे देंगे ये, ठीक है। अब हमारा ये जो पार्ट बचता है, ये पार्ट नेम ऑफ द आइटम, इसमें हम आइटम का नाम लिखेंगे, क्या बनाए, आइटम का नाम आप इसमें आपको लिखना है क्या आप ड्रॉ कर रहे हैं। तो इसमें अगर फ्री हैंड स्केच है तो फ्री हैंड लिखेंगे आइटम में, हाँ ड्रॉ फ्री हैंड स्केच ऑफ वर्नियर कैलिपर चाहे माइक्रोमीटर इसमें लिख देंगे, या ड्रॉ आइसोमेट्रिक ड्रॉ ऑर्थोग्राफिक व्यू ऑफ द गिवन आइसोमेट्रिक इन थर्ड एंगल प्रोजेक्टर या फर्स्ट एंगल प्रोजेक्टर, ये वो आपको नेम लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका जो स्पेस है उसमें क्वेश्चन जैसे जस्ट लाइक क्वेश्चन लिखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो है इसमें नेम लिखिए, इसमें डेट लिखिए,
अब नेम में क्या क्या नेम है, हाँ? तो नेम किस आईटीआई का, आईटीआई का नेम यहाँ पे लिखिए कि आईटीआई नेम फर्स्ट है, यानी कि सबसे पहला आईटीआई। तो आईटीआई का नाम नेम जिस आईटीआई, जैसे कि आप पढ़ते पटना आईटीआई, हाँ यही आप लिखेंगे पटना आईटीआई, पटना आईटीआई आईटीआई नेम हो गया। किस डेट में ड्रॉ कर रहे हैं वो लिखना है आपको, ठीक है? ड्रॉन बाय, सेकेंड है ड्रॉन, ड्रॉन बाय किसके द्वारा ड्रॉन किया गया, तो आप अपना नाम लिखेगा, हाँ? तो ड्रॉन बाय आप, जैसे कि मान लीजिए आपका नाम है रवि, रवि कुमार, ठीक है? इसका चेक्ड बाय, यहाँ पे चेक किसने किया, चेक्ड बाय ये किनके द्वारा चेक किया गया, तो जो चेक करेंगे वो अपना साइन मारेंगे, ठीक है? जैसे हम चेक करेंगे तो हम अपना साइन मार देंगे, ठीक है? किस डेट में चेक किया, तो मान लीजिए आज कितना तारीख है, 13 है, आज 14, ठीक है? और जो भी डेट हो आप यहाँ पे डेट डाल दीजिएगा, तो इससे होगा क्या कि यहाँ पे डेट पड़ेगा चेक किए किस डेट में किए, ठीक है? और इसके बाद एमएम है, इसके बाद ये सात पांच गो सात एमएम, ये भी सात एमएम और ये भी सात एमएम, ये भी सेवन एमएम, ये सेवन एमएम और नीचे का देखिए सात चौदह सत्ताईस सत्रह अट्ठाईस, ये अट्ठाईस तो ये हो गया और दस ऊपर है अड़तीस और बीस, कितना हो जाएगा 58। तो हम साइज कितना लिखे थे यहाँ पे 65, 20, ये हो जाएगा 20, ये 20 हो गया, ये 28 हो गया और ये 20 है, ये 20 है, ये 10 है, 28 है, तो 8 हो गया 58, ये देखिए 62,015 हमारा पूरा होना चाहिए 65, ठीक है? तो अगर 10 ये है तो ये पांच में एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पांच, पांच वो आपको सात का होना चाहिए, सात जो है ये है सात, ये 20 है ना, ये सॉरी ये हमारा 20 है, ये 20 है, तो ये 35 हो गया, ये 35 और ये नीचे 20, तो कितना हो गया 565 हो गया, यानी कि ये टोटल जो चौड़ाई है हमारा 65 हुआ, ये आप बना सकते हैं, इसमें टोटल चौड़ाई हमारा कितना हो गया, ये 65 हो गया, ये डायमेंशन इसका ये 65 हो गया, और ये जो होगा ये यहां से यहां तक 25 है, ठीक है? अब हम इसको हटा देते हैं फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल, ठीक है? हम एक रहने देते हैं, फर्स्ट एंगल को हटा दिए, ये डायमेंशन हम दिखाना चाह रहे हैं इसलिए उसको हटाए हैं, ये और ये टोटल, तो यहां से यहां तक हमको पता है कि ये 25,
A25 है, ये डायमेंशन हमारा 25 है। अब ये यहां से यहां तक टोटल हमको पता है कि 185 है, ठीक है। ये डायमेंशन दिखाने के लिए हमको क्या करना होगा, एक्सटेंशन करना होगा, एक्सटेंशन कर करके फिर अब बिल्कुल सीधा लेंथ ड्रॉ करना है यहां तक। तो ये कितना है यहां से यहां तक 185, ये डायमेंशन 185 है। और ये डायमेंशन आपका जो है ऊपर वाला, ये 20 है, ये 25 है, ये 10 है, ठीक है। तो ये यहां से डायमेंशन दिखाना है, ये 20 है, ये 25 है और ये 10 है, ठीक है। तो आप इसको दिखा सकते हैं इसके डायमेंशन को, यहां से यहां तक 20, ये डायमेंशन यहां से यहां तक है 20, ये 20 है और यहां से यहां तक है 25, ये 10 है, यहां से यहां तक 10। टोटल कितना हुआ, 20, 40, 45, 10, 55, यानी यहां से यहां तक 55 है, 55 है ये, अगर आपका 55 है यहां से यहां तक टोटल लेंथ, ये 55 है, ये 55 है, तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा ना, ये कितना निकलेगा, ये दोनों का एड 80 हुआ, तो 185 में 80 माइनस कर देंगे तो कितना बचे, 105 बचेगा ना, 105। तो यानी कि ये जो डिस्टेंस हो गया वो 105 हुआ, ये और ये जोड़ दिए तो ये दोनों जोड़े तो हमारा कितना हुआ 80 और हमारा 185 है, तो ये होगा 105, यानी यहाँ पे ये जो डिस्टेंस होगा 105, ठीक है, 105। आप सबको जोड़िएगा तो इतना आ जाएगा 185। तो ये हमारा टाइटल ब्लॉक हुआ, टाइटल ब्लॉक को आप इसी तरह से बनाएंगे, यहाँ पे इस कॉर्नर पे जो साइज होगा यही साइज होगा, ठीक है। ठीक, तो आप बता ही चुके पीछे क्लास में, ठीक है। अब इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और याद रखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जा सकता है कि टाइटल ब्लॉक में क्या क्या रहता है और टाइटल ब्लॉक का साइज, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें।